रावत के पास, जिनके साथ एक दूल्हे भी दिख रहे हैं। दीपक, ये कौन लोग हैं जो आपके साथ हैं पीछे? देखिए किशोर, मेरे पीछे दूल्हा आपको नजर आएगा, लेकिन मैं शादी में नहीं बल्कि काउंटिंग सेंटर इस वक्त वहां पर हूं जहां पर वोटिंग चल रही है। और यहां पर तमाम जो लोग हैं, दूल्हे के साथ बराती भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शादी आज आपकी है, लेकिन आपने सोचा पहले मतदान कर लिया जाए। सर हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरी शादी तो 5 साल बाद भी हो जाएगी, लेकिन मतदान के लिए मैं 5 साल वेट नहीं कर सकता। और राज क्षेत्र में वोट डालना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं चाहता हूँ कि जनता से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि भाई वो भी वोट डालने जरूर जाएं, वोट मिस नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोट, और वो ये हमारा हक है, ये हमें जरूर डालना चाहिए। तो दुल्हन भी दिल्ली में ही है क्या? सर दुल्हन भी दिल्ली में है, मेरी सुबह 10 बजे फेरे होने वाले हैं। सर मैं स्पेशली सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ लाइन में, ताकि मेरा नंबर आ पाए और मैं वोट डालूँ, ताकि जल्दी से हम वहाँ जा पाए। सर तो दुल्हन भी लाइन में लगी है आज वोट डालने? लाइन में लगी है, वो तो सर रहती है बार फेस 3 में है, लेकिन स्पेशली बुराड़ी गई है सुबह 6 बजे, ताकि वो वोट वहाँ डाल के फिर वहाँ पहुंचे वो। अच्छा, लेकिन आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा लंबा? नहीं, बुराड़ी से फिर उनको महिला आने में समय तो लगेगा। अब सर वोट इंपॉर्टेंट है, इंतजार तो मैं कर लूंगा, मैंने यही पहले भी बोला था कि भाई इंतजार तो मैं 5 साल बाद तक भी कर सकता हूँ, लेकिन वोट के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा, वोट का इंतजार नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बराती भी है, ये बताइए अभी तो नाचना भी है बारात में, उससे पहले वोट डालने का है? जी वोट डाल के नाचेंगे तो उसका मजा अलग है, क्योंकि जो देश हित की बात है उसके लिए हमें लगता है कि हमें वोट देना सबसे पहले जरूरी है, और सभी को वोट देना जरूरी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी जरूरी है जी। अच्छा, दिल्ली में आप बताइए, आप भी नाचने के लिए तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ। और वोट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबको वोट देना चाहिए। अच्छा, तो दीपक रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हमें रुकना